सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 20 मार्च। मैं और मेरा, यही दुख का कारण है। जब प्रभु राम रक्षक हैं तो मन में भय नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में जब ये भावना होगी कि राम रक्षण करता है, तो किसी भी संकट को डरना नहीं चाहिए। यदि हम राममय होंगे तो स्वयं भगवान वहीं उपस्थित होंगे और चिंता का कारण भी नहीं होगा। किसी भी कारण से प्रभु राम का विस्मरण नहीं होना चाहिए और चिंता रहित होकर सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। मन से प्रभु राम में लीन होकर गृहस्थी उसी की है, यही मानना चाहिए। मैं और मेरा, इसका अहंकार रखने से ही दुख की निर्मिति होती है। अहंकार ही दुख का अधिष्ठान है। आज तक जो जो हमने किया वो अहंकार से किया, और अहंकार से भरा हुआ जो जो भी किया वो दुख का कारण हुआ। बाह्यतः यद्यपि हमने कोई भी बात अहंकार रहित भाव से की, तो भी भीतर अभिमान की वृत्ति पैदा हुई, वही हमारा घात हुआ, घात का प्रारंभ हुआ। किसी बात का आग्रह और जिद अभिमान का लक्षण है। किए कराए का अभिमान ही दुख की जड़ है। गृहस्थी में दुख हो रहा है ये मानना ही अहंकार का संकेत है, और जब तक इस प्रकार अहंकार है तब तक मन को समाधान नहीं होता है। देह बुद्धि का प्रेम ही स्वार्थ बढ़ाता है। जहां स्वार्थ बढ़ने लगा वहां विनाश प्रारंभ होता है। जो जो प्रयत्न आज तक किया उससे देह बुद्धि बढ़ती ही गई। देह भाव ही दुख की जड़ है। जब देह भाव भूल जाएंगे तब सुख का प्रारंभ होगा। जहां देह बुद्धि है वहां सुख नहीं। प्रभु राम के अलावा जहां प्रेम है वह देह बुद्धि के कारण है, अतः अहंकार के अधीन नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार के अधीन होंगे तो संतोष भंग हो जाएगा। अहंकार दुख का साम्राज्य निर्माण करता है। पाप पुण्य का डर देह बुद्धि के कारण होता है। वासना में आप अटक जाएंगे तो परेशानी ही बढ़ेगी। वासना के अधीन होने के कारण ही अहित हुआ। जैसे नदी अखंड बहती है वैसे वासना निरंतर निर्माण होती रहती है। वासना भोगने से कम नहीं होती, त्याग करने से नष्ट नहीं होती। हम सब देह धारण करने वाले हैं, फिर भी देह दुख एक क्षण भी नहीं सहना चाहते हैं। जिसे हम अपना समझते हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। औरों की बात तो छोड़ो, हम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार कभी कभी कुछ नहीं कर पाते। तब जग का व्यवहार मेरी इच्छा के अनुसार हो ये कहना उचित होगा? सब कुछ दान में दे पाते हैं लेकिन अभिमान तो बच ही जाता है। किए कराए का अभिमान ही भगवान के समीप जाने में बाधा है। अतः मेरा और मैं का अहंकार ही दुख का कारण है। हमें राम का हो जाना चाहिए, तभी दुख का निवारण होगा। सभी बंधनों दुखों का कारण कर्म का मैं स्वयं अधिकारी होने की भावना है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।